Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. श्रवण बेलगोला कर्नाटक प्रदेश में मैसूर से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रवण बेलगोला एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। वहाँ एक सरोवर है जो चंद्रगिरी और विंध्यगिरी नामक दो पहाड़ियों के बीच है। इसी सरोवर का नाम बेलगोला अर्थात श्वेत सरोवर है। चंद्रगिरी नामक पहाड़ी का पुराना नाम करवक्र बताया जाता है। कहा जाता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ आकर कुछ समय तक तपस्या की थी, तभी से इसका नाम चंद्रगिरी पड़ गया। चंद्रगिरी पर्वत का भी धार्मिक महत्व है। इस पहाड़ी पर एक घेरे में 14 जैन मंदिर हैं। दूसरी पहाड़ी विंध्यगिरी को इंद्रगिरी भी कहा जाता है। श्रवण बेलगोला की महत्ता इसी पहाड़ी पर स्थित भरतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति के कारण है। यहाँ पर एक चट्टान को तराश कर भगवान बाहुबली की ऊंची मूर्ति बनाई गई है। विश्व भर से यात्री इस अद्वितीय मूर्ति के दर्शन के लिए वर्ष भर आते रहते हैं। प्रति 12 वर्षों बाद यहाँ एक विशाल समारोह होता है जिसे मूर्ति का महामस्तक अभिषेक कहते हैं। इस अभिषेक के समय श्रवण बेलगोला में अपार भीड़ होती है। प्राचीन ग्रंथों में बाहुबली की बड़ी शिक्षाप्रद कथा है। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। अयोध्या इनकी राजधानी थी। राजा ऋषभनाथ के पुत्रों में बड़े का नाम भरत व सबसे छोटे का नाम बाहुबली था। ऋषभनाथ जी को जब वैराग्य हो गया तो उन्होंने युवराज भरत को राजगद्दी सौंप दी तथा अन्य राजकुमारों को जागीरें दे दी। बाहुबली को अयोध्या के निकट पोदनपुर का राज्य मिला। कुछ समय उपरांत भरत ने चक्रवर्ती बनने के लिए अपनी विशाल सेना को विजय अभियान पर भेजा। कुछ ही दिनों में सब राजाओं ने भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। उनके अन्य भाइयों ने तो इसे मान लिया, परंतु बाहुबली ने इसके लिए इनकार कर दिया। जनता को युद्ध के परिणाम स्वरूप अपार कष्ट ना हो, इसलिए दोनों राजाओं ने द्वंद्व युद्ध का निर्णय लिया। इसके लिए दृष्टि युद्ध, जल युद्ध व मलय युद्ध करने का निश्चय हुआ। इस युद्ध में बाहुबली विजय हुए। उस युद्ध में विवेक शून्य भरत ने धोखे से बाहुबली पर चक्र का प्रहार किया, परंतु न्याय के पथ पर चलने वाले बाहुबली का वह चक्र कुछ ना बिगाड़ सका। भले ही अब बाहुबली संपूर्ण राज्य के स्वामी थे, परंतु धोखे से चक्र प्रहार की घटना से उनके अंतर्मन में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उनका मन संसार से विरक्त हो गया। वे अपने पिता की भांति राजपाट छोड़कर तपस्या करने चले गए। बाद में भरत भी उनसे मिलने गए। बाहुबली ने कैलाश पर्वत पर जाकर मोक्ष प्राप्त किया। भरत ने पोदनपुर में बाहुबली की मूर्ति स्थापित करवाई। बाद में उस मूर्ति का कुछ पता नहीं चलता। श्रवण बेलगोला की विशाल मूर्ति उसी अवस्था की है।